हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो छंदोग्य जो उपनिषद है उसमें मिलती है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का जो सबसे बड़ा भूकंप है वो किस वर्ष आया था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी का आया था दोस्तों सबसे बड़ा भूकंप बिहार के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1961 ईस्वी को की गई थी दोस्तों। बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसका नाम दोस्तों कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बावन थड़ी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना जिसका नाम है दोस्तों बावन थड़ी परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए भावरी का फारसी में अनुवादन किसने किया दोस्तों? तो अब्दुल रहीम खान खान ने किया था दोस्तों तुजुक ए बावरी का फारसी के अंदर अनुवादन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा दोस्तों? तो गुरुनाथ रविंद्र टैगोर ने लिखा है दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1934 ईस्वी को की गई थी दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल का द्वैध शासक कब और से कब तक चला दोस्तों? तो 1765 से 1772 तक चला दोस्तों द्वैध शासक दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।